गुड मॉर्निंग एवरीवन। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मैं डॉक्टर दीपा चौबे, स्कूल ऑफ साइंसेस से। आज मैं आपको डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल लाइफ की सेकंड स्लाइड बताऊंगी। एक्चुअली बेसिकली क्या है कि ये सेकंड पेपर है 102 UGZY 102 का सेकंड पेपर हम आज आपको बताएंगे। फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है जिसमें हमने आपको यूनिसेलुलर यानी प्रोटोजोआ के बारे में बताया था और सेकेंड यूनिट है इसकी मेटाजोआ। तो आज हम आपको मेटाजोआ के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। देखिए सेकेंड यूनिट को हमने दो मॉड्यूल में डिवाइड किया है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाजोआ मॉड्यूल 1 है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाजोआ इसका सेकेंड पार्ट हमने मॉड्यूल 2 में रखा है। जो सेकेंड पार्ट मॉड्यूल 2 में है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मेटाजोआ, इसमें आप पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट स्लाइड होगी आपकी, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मेटाजोआ जनरल करेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द पोरीफेरा, ठीक है। नेक्स्ट जो आज आपको पढ़ना है उसमें हम जो लेक्चर आपको डिटेल में बताएंगे, फर्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटाजोआ, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक क्लासिफिकेशन के अंतर हम आपको बताएंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेटाजोआ, सिमेट्री ऑफ मेटाजोआ, जर्म लेयर, बॉडी कैविटी, डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ द मेटाजोआ। देखिए मेटाजोआ बेसिकली क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, मेटाजोआ एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, their cells are arranged in 2 or 3 layer, they are divided into 2 branches, parazoa and eumetazoa। देखिए हम आपको ये इस तरीके से समझा देते हैं, parazoa और eumetazoa बेसिकली क्या है। metazoa को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, parazoa and eumetazoa, ठीक है। अब parazoa कौन से एनिमल्स हैं, parazoa में क्या आते हैं, पैराजोआ में बेसिकली जिसमें सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेल्स प्रेजेंट होता है। तो आपको पता है सेल्स किसमें प्रेजेंट होता है, जो आपका पोरीफेरा है, पोरीफेरा फाइलम पोरीफेरा में क्या प्रेजेंट होता है, सेल्स प्रेजेंट होता है। और यू मेटाजोआ में क्या है, फाइलम सीलेंट्रेटा 2 फाइलम सीलेंट्रेटा 2 फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है, फाइलम सीलेंटेटा 2 फाइलम कॉर्डेटा, ये क्या है आपका फाइलम, ये आपका आता है यू मेटाजोआ में। तो दो भाग में इसको डिवाइड किया गया, मेटाजोआ को पैराजोआ एंड यू मेटाजोआ। पैराजोआ में जिसमें सेल प्रेजेंट होती है, कौन सा फाइलम है, ये आपका पोरी फेरा, और यू मेटाजोआ में आपका आ गया सीलेंटेटा अप टू फाइलम कॉर्डेटा, अप टू फाइलम कॉर्डेटा। देखिए आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं, मैंने सारे फाइलम के नाम लिखे नहीं हैं, इसमें सारे फाइलम के नाम मैंने लिखे नहीं हैं, फाइलम सीलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिंथिस, नेमेटोडा, प्लैटीहेलमिंथिस हो गया, नेमेटोडा, एनिलिडा, आर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो इतने फाइलम आपके आ जाएंगे यू मेटाजोआ में, जिसमें कि एडवांस करेक्टरिस्टिक फीचर्स पाए जाते हैं, ठीक है। और आपका पैराजोआ में क्या आ गया, पैराजोआ में जिसमें सेल्स ओनली सेल्स केवल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो आ गया आपका पोरीफेरा में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आपको पढ़ना क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटाजोआ, द बॉडी मे बी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। अब जितने भी फाइलम आप पढ़ेंगे, अब आप ये सोचिए कि फाइलम की जरूरत क्यों पड़ी, भाई इतने सारे एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स को अगर हम देखें तो बहुत एनिमल्स को अलग अलग हम कैटेगराइज करेंगे तो उससे क्या होता है, पढ़ने में हमें आसानी होती है, ठीक है। अब कैसे आप कैटेगराइज करेंगे, अब फाइलम के अकॉर्डिंग जो उनका ग्रुप है, जैसे हमने एक ग्रुप बना लिया, एक एनिमल्स का एक ग्रुप बना लिया, तो हमने उसको अगर डिवाइड कर दिया कि इनके फीडिंग बेस के आधार पे हमको हमने इनको डिवाइड किया है, ठीक है। तो उनका न्यूट्रिशन क्या है, तो हमने न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एनिमल्स को डिवाइड कर दिया, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि लोकोमोटरी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से फाइलम मतलब अलग अलग हमने क्या किया, ग्रुप में अरेंज कर दिया ताकि हमको स्टडी करने में पढ़ने में आसानी हो, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी। मेटाजोआ में अब आप देखते हैं,
यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन में भी एक्सटर्नल और इंटरनल, एक एक पॉइंट हम जब आपको डिटेल चलेंगे तो बताएंगे। जाइगोट आपका एलिसिथल, माइक्रोलिसिथल, मीजोलिसिथल, मैक्रोलिसिथल, टीलोलिसिथल, एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा क्या होता है मैक्रोलिसिथल, क्या होता है टीलोलिसिथल, ये हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। क्लीवेज किस तरीके का होता है, होलोब्लास्टिक होता है, इनकम्प्लीट होता है और कम्प्लीट होता है, यानी होलोब्लास्टिक है या मीरोब्लास्टिक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बॉडी इनकी कैसी है, स्फेरिकल है, रेडियल है, बाइलेटरल है, सिमेट्री इनकी कैसी है, मेटामेरिज्म कैसा है, ट्रू सेगमेंटेशन है या बॉडी में ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारी कैटेगरी है जिस बेस पे हम एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं कि इनको किस फाइलम में रखा गया है। सपोज अगर हम एक एग्जांपल यहाँ पे देख करके आपको बताएं, अभी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे कि हम कहते हैं कि सीलोम की यहाँ पे बात हो रही है, अगर हम बात करते हैं कि सीलोम की बात करें स्यूडोसीलोमेट, तो स्यूडोसीलोमेट किस में पाया जाता है, कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें स्यूडोसीलोमेट, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ये भी हम आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे कि कौन सा ऐसा फाइलम है जो कि स्यूडोसीलोमेट जिनमें प्रेजेंट होता है, कौन से ऐसे फाइलम है जिसमें ट्रू सीलोम पाया जाता है, कौन सा ऐसा फाइलम है जो एसीलोमेट होता है। तो सीलोम के बेस पे भी हम फाइलम को कैटेगराइज किए हैं। इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें हैं, बॉडी कैविटी में भी एब्सेंट और प्रेजेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन में अब देखिए, जैसे जैसे डाइवर्सिटी बढ़ी, जैसे जैसे विभिन्नताएं आई, वैसे वैसे इनका कैटेगराइज क्या हुआ, अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग फाइलम में इनको आइडेंटिफाई किया गया कि सबसे पहले जो सबसे प्रिमिटिव टाइप थे वो आपने अभी देखा कि जिसमें केवल सेल प्रेजेंट थी, वो क्या था, पोरीफेरा। तो सबसे पहले सेल बना होगा, ठीक है, सेल के बाद आपका टिश्यू बना, टिश्यू के बाद क्या बना, ऑर्गन बना, और ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बना। ऑर्गन सिस्टम क्या है, देखिए ऑर्गन सिस्टम क्या है कि अलग अलग बॉडी है ना, एक्सक्रीटरी ऑर्गन बना, सर्कुलेटरी सिस्टम बना आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम बना, तो अलग अलग बॉडी के अंदर अलग अलग सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। जबकि आप प्रिमिटिव एनिमल देखिए, तो प्रिमिटिव एनिमल में बॉडी में अलग अलग सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं होता है, बॉडी का कोई एक सिस्टम होता है जो कि सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप एडवांस में जाएंगे, पोरीफेरा के बाद सीलेंटेटा में कुछ सिस्टम ज़्यादा डेवलप हुए, प्लैटीहेलमिंथिस में उससे ज़्यादा डेवलप हुए, और करते करते कॉर्डेट्स तक अगर आप पहुँचेंगे तो सारे सिस्टम वेल मेंटेन या पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। जैसे आप देखिए, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हो गया, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप हुआ, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप हुआ, तो इस तरीके से इनका फर्दर डेवलपमेंट होता गया, ठीक है। तो सबसे पहले सेल बना, टिश्यू बना, ऑर्गन बना और ऑर्गन सिस्टम बना। देन ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड के बाद ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इसके बाद आपका ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम बना। तो सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, जिसमें कि पुअर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ठीक है, विभाजन करने की क्षमता बहुत कम होती है, और ये होता है स्पेशली पोरीफेरा में, भी हमने आपको बताया। टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होगा आपका, ये हो गया आपका सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हो गया आपका पोरीफेरा, ठीक है। पोरीफेरा में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेवर, विभाजन की क्षमता बहुत कम होती है। इसके बाद हो गया आपका टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका हुआ सीलेंटेटा,
इसके साथ है टीनोफोरा। इसके बाद टिश्यू के बाद जब यानी सेल मिल करके क्या बनाए, टिश्यू बनाए, और टिश्यू कॉम्पैक्ट होकर के बनाए ऑर्गन, और जो ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये पाया जाता है प्लेटी हेलमिंथिस में। ठीक है, इसके बाद जो ऑर्गन सिस्टम बना नीमेटो हेलमिंथिस से लेकर के अप टू कॉर्डेट, ठीक है, नेमेटो हेलमिंथिस से लेकर के अप टू कॉर्डेटा तक का ये आपका ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुआ। इसके बाद ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, सेलुलर टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट है नेक्स्ट स्लाइड, आपको हम बता रहे हैं सिमेट्री। मेटाजोअन्स में सिमेट्री किस टाइप की होती है, तो सिमेट्री में आप देखिए एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री, तीन तरह के सिमेट्री है, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री। अब फर्स्ट आइए एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल क्या होता है, बॉडी कैन नॉट डिवाइडेड इंटू इक्वल हाफ, पासिंग थ्रू एनी प्लेन। तो ये हो गया आपका एसिमेट्रिकल, बॉडी कैन नॉट डिवाइडेड इंटू इक्वल हाफ पासिंग थ्रू एनी प्लेन। दूसरा आपका हो गया रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होता है, नेक्स्ट है रेडियल सिमेट्री, बॉडी कैन डिवाइडेड इंटू इक्वल हाफ पासिंग थ्रू एनी प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट है बायलेटरल सिमेट्री। ये हो गया तीसरा आपका बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री क्या होता है, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ पासिंग थ्रू ओनली वन प्लेन। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू equal half passing through only one plane। ठीक है, तो तीनों में differences समझ में आ रहा। पहला हमने आपको बताया, first है आपका asymmetrical। asymmetrical body cannot divided into equal half passing through any plane, यानी body को जैसे for example इसका पोरी फेरा ले लीजिए, पोरी फेरा के animals को किसी भी एंगल से आप डिवाइड करेंगे तो इक्वल डिवीज़न इसका नहीं होगा। इस तरीके से अगर कोई एनिमल्स है, अगर इसको आप डिवाइड करना चाहें तो इसमें इक्वल डिवीज़न नहीं होगा, इक्वल पोर्शन नहीं होगा। दूसरा आपका रेडियल सिमेट्री, बॉडी कैन डिवाइडेड इनटू इक्वल ऑफ पासिंग थ्रू एनी प्लेन, कहीं से भी आप बॉडी को अगर डिवाइड करिए तो उसमें दो बराबर डिवीज़न होगा। ठीक है, ये हो गया जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका रेडियल सिमेट्री का सिलेंडेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया, इकाइनोडर्मेटा इसका बेस्ट एग्जांपल है, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तीसरा आपका जो बाइलेटरल सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री में आपका एग्जांपल हो जाएगा प्लेटी हेलमिंथिस। ठीक है,
तो ये तीनों में आपको आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया, तीनों में क्या अंतर कि इसमें बॉडी को डिवाइड करेंगे इक्वल हाफ में किसी भी प्लेन से, तो इक्वल डिवीजन नहीं होगा, कैन नॉट डिवाइडेड। दूसरा, बॉडी कैन डिवाइडेड, बॉडी इक्वल में डिवाइड हो जाएगी और किसी भी प्लेन से, ठीक है, एनी प्लेन। और तीसरा जो आपका बाइलेटरल है, ओनली वन प्लेन, किसी एक सरफेस से आप बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। देखिए हम डायग्राम के साथ आपको बता देते हैं। ये हो गया, देखिए इसमें एसिमेट्रिकल, ये आपका क्या है, एसिमेट्रिकल डिवीजन। ये स्पेशली मोलस्का में आप पढ़े होंगे पाइला, ये जो स्ट्रक्चर है किसका है, पाइला का स्ट्रक्चर है एसिमेट्रिकल में। नेक्स्ट आप स्लाइड देखिए, रेडियल सिमेट्री है इकाइनोडर्मेटा की, ये बायलेटरल सिमेट्री है। नेक्स्ट आपकी बायलेटरल सिमेट्री, ये तीनों सिमेट्री आपको समझ में आ गई होंगी। और रेडियल सिमेट्री और बाई रेडियल सिमेट्री में, दोनों में डिफरेंस बताया। रेडियल सिमेट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वली इन मेनी प्लेन्स, ये डिवीजन दिखाया, कहीं से भी इक्वली आप डिवाइड कर सकते हैं इसको, रेडियल सिमेट्री को। और बाई रेडियल सिमेट्री कैन बी डिवाइडेड इक्वली ओनली टू टू प्लेन्स, किसी भी दो से सरफेस से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हम आपको बताते हैं जर्म लेयर क्या होता है। बेसिकली जर्म लेयर क्या है कि जैसे जाइगोट है, जाइगोट का डिवीजन स्पर्म एंड ओवम फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ये जाइगोट बना, अब जाइगोट का डिवीजन होगा, टू सेल स्टेज होगी, फोर सेल स्टेज होगी, चार से आठ सेल बने, आठ से सोलह बने, फिर मोरूला है, ब्लास्टुला है, गैस्टुला है। तो इस तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे लेयर्स का फॉर्मेशन होता जाएगा। यानी पहले क्या बनेगी, सिंगल सेल किस में डिवाइड हो रही है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। तो और उसके बाद क्या बनेगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, तीन लेयर फॉर्म हो जाएगी, तो उसको कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। और जब दो लेयर होती है तो वो कहलाता है आपका डिप्लोब्लास्टिक लेयर। अभी हम इसमें आपको बताते हैं, जैसे जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, दो तरीके से है। जर्म लेयर को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, ये हो गया आपका डिप्लोब्लास्टिक, लेयर और दूसरी हो गई आपकी ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर। जो डिप्लोब्लास्टिक लेयर होगी उसमें आपका एक्टोडर्म और एंडोडर्म बीच में आपका मीजोगिलिया प्रेजेंट होता है, और ट्रिप्लोप्लास्टिक में एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तीन लेयर पाई जाती है ट्रिप्लोप्लास्टिक। तो अब आप एग्जांपल बताइए डिप्लोप्लास्टिक में का क्या एग्जांपल हो सकता है। डिप्लोप्लास्टिक में आपका हो सकता है आप पोरीफेरा, जिसमें देखे होंगे कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म की लेयर नहीं पाई जाती। सीलेंट्रेटा आपका हो गया, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये हो गए आपके डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में हो गया आपका प्लेटी हेलमिंथिस से लेकर के अप टू कॉर्डेटा, प्लेटी हेलमिंथिस अप टू, हमने शॉर्ट में लिखा है कॉर्डेटा, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप ध्यान से देखिएगा, एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में मीजोगिलिया प्रेजेंट होती है, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, टिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों लेयर प्रेजेंट होती है, प्लेटी हेलमिंथिस अप टू कॉर्डेटा।
नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर, ये हमने अभी आपको बता दिया, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, प्लैटी हेलमिंथेसिस गेट फिल्ड विद द मेसेनकाइम सेल्स, एनिलिडा ऑनवर्ड द थर्ड लेयर प्रेजेंट एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, दोनों के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उस स्पेस क्या कहते हैं, मेसोगिलिया। तीन जर्म लेयर एक्टोडर्म और एंडोडर्म मेसोडर्म प्रेजेंट होता है। एक्टोडर्म से क्या बनता है, स्किन एंड इट्स डेरिवेटिव फोरगट, हाइंडगट, नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। एंडोडर्म से क्या होता है, मिडगट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। मेसोडर्म गिव राइज टू हार्ट, क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि हार्ट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द विजडम, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। किडनी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द विजडम, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो इस क्वेश्चन से इससे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जैसे स्यूडोसीलोमेट और सीलोम क्या होता है, स्यूडोसील और सीलोम क्या होते हैं। तो इसमें आपको ये जानने की ज़रूरत है कि सीलोम के कितने, सीलोम बेसिकली सीलोम होता क्या है। सीलोम इज अ प्लेस ऑफ ऑर्गन, किससे बनता है सीलोम, सीलोम बनता है मेसोडर्म से। अब सीलोम जिसमें बनेगा यानी मेसोडर्म प्रेजेंट होना चाहिए, अगर मेसोगिलिया जिस भी फाइलम में मेसोगिलिया प्रेजेंट है वहाँ पे सीलोम का फॉर्मेशन नहीं होगा। जहाँ पे मेसोडर्म होता है वहीं पे सीलोम बनता है। और सीलोम मेसोडर्म से कैसे बनता है, जब मेसोडर्म की सेल्स स्प्लिट हो जाती हैं, स्प्लिट होकर के क्या बनाती हैं, सीलोम का फॉर्मेशन करती है। इसमें ये दिया हुआ है, देखिए द प्लैटी हेलमिंथेस इट गेट फिल्ड विद द मेसेनकाइम सेल, एसके हेलमिंथेस, अलग अलग फाइलम के अकॉर्डिंग इसको आइडेंटिफाइड किया गया है। इसमें ब्लास्टोसील प्रेजेंट होते हैं, एनिलिड ऑनवर्ड द सेगमेंटेड मेसोडर्म पाउचेस ऑन ईस्ट साइड, वो स्पेस को ऑक्यूपाई किए रहते हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, ये सीलोमिक स्पेस होता है। चलिए हम इसको हम आपको डायग्राम के साथ में बता देते हैं कि किस टाइप का होता है। ये देखिए और तीसरा हो गया आपका यूसिलोमेट। एसिलोमेट, ए मींस होता है एब्सेंट, स्यूडो मींस होता है फॉल्स, झूठा, और यू मींस होता है ट्रू सिलोम, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्रू सिलोम। ठीक है, तो तीन कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड यूसिलोमेट। ए मींस हो गया आपका एब्सेंट, जिसमें कि सीलोम एब्सेंट होता है वो होता है एसिलोमेट, ये इसमें आपका आ जाता है जिसमें सीलोम नहीं पाए जाते। ये हो गए आपके एग्जांपल, कौन सा हुआ, पोरी फिर सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। स्यूडोसिलोमेट, स्यूडो मींस होता है फॉल्स, झूठे सीलोम, सीलोम्स की तरह के स्ट्रक्चर दिखते हैं तो वो कहलाते हैं जैसे फॉल्स सीलोम। ये आपका पाया जाता है केवल एसके हेलमिंथेस में। तीसरा हो गया यूसिलोमेट, यूसिलोमेट मींस ट्रू सीलोम पाया जाता है आपका एनिलिडा अप टू कॉर्डेटा। ट्रू सीलोम किसमें पाए जाते हैं, एनिलिडा अप टू कॉर्डेटा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कभी कभी कि फर्स्ट ट्रू सीलोम, कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें पहला ट्रू सीलोम पाया गया, तो आप क्या आंसर देंगे, फाइलम एनिलिडा। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट
पैटर्न ऑफ मेटाजोआ। मेटाजोआ का डेवलपमेंट पैटर्न क्या है, क्लीवेज किस तरीके के होते हैं, होलोब्लास्टिक क्लीवेज, होलोब्लास्टिक मीन्स कंप्लीट क्लीवेज, और दूसरा हो गया आपका मीरोब्लास्टिक या इनकम्प्लीट क्लीवेज। ठीक है, तो इसमें हम आपको होलोब्लास्टिक क्लीवेज, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के बारे में बताते हैं। ये देखिए, होलोब्लास्टिक, होलो मीन्स हो गया कंप्लीट, होलो मीन्स ये देखिए यहां पे कंप्लीट क्लीवेज होता है, और मीरोब्लास्टिक में इनकम्प्लीट क्लीवेज पाया जाता है। इसमें लो अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट होता है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट होता है। कंप्लीट क्लीवेज क्या हो गया, जैसे ये सेल है कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं सेल, ठीक है। मीरोब्लास्टिक में ये हो गया आपका इनकम्प्लीट डिवीजन, लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक। होलोब्लास्टिक क्लीवेज को दो में डिवाइड किया गया है, आइसोलिसिथल एंड मीजोलिसिथल। आइसोलिसिथल क्या होता है और मीजोलिसिथल क्या होता है, आइसोलिसिथल और मीजोलिसिथल को किस बेस पे हमने आइडेंटिफाई किया गया है, बेस ऑन द अमाउंट ऑफ यॉक। किस बेस पे हमने, अमाउंट ऑफ यॉक, यॉक के बेस पे हमने आइसो इसको आइडेंटिफाई किया गया है। आइसो, आइसो मीन्स एक समान, यानी कि यॉक और साइटोप्लाज्म इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं आइसोलिसिथल में, और मीजोलिसिथल में क्या होता है, मीजोलिसिथल में मॉडरेट यॉक प्रेजेंट होता है, यहाँ पे मॉडरेट टाइप का यॉक प्रेजेंट होता है। टीलोलिसिथल, टीलोलिसिथल में क्या होता है कि अनइवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड यॉक होते हैं, कहीं पे यॉक ज़्यादा होता है, कहीं साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है। सेंट्रोलिसिथल में यॉक कंसेंट्रेशन बीच में प्रेजेंट होता है, इस तरीके से अगर हम देखें, नेक्स्ट अभी उसमें डायग्राम के साथ आपको बता देंगे, इस तरीके से सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो फिर आइसोलिसिथल को दो में डिवाइड किया गया है, रेडियल एंड स्पाइरल क्लीवेज। ये देखिए, आइसोलिसिथल, मीजोलिसिथल, टीलोलिसिथल एंड सेंट्रोलिसिथल। सेंट्रोलिसिथल में देखिए सेंटर में यॉक प्रेजेंट है, ये आपका टीलोलिसिथल हो गया, मीजोलिसिथल हो गया और आइसोलिसिथल, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है यॉक इसमें, इवेंली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके बाद देखिए एक चीज और हमें आपको बताना है, यहां पे फॉर्मेशन ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीजोडर्म। मीजोडर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया सीलोम का फॉर्मेशन कैसे होता है, यहां पे आप लिख दीजिए सीलोम मीजोडर्म से बनता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द सीलोम। तो सीलोम का फॉर्मेशन किससे होता है, मीजोडर्म से होता है। तो मीजोडर्म की जो लेयर होती है, एक मिनट आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए, ये हो गई आपकी एंडोडर्म की लेयर, बाहर आपकी हो गई एक्टोडर्म की लेयर, ये हो गई एक्टोडर्म, इस तरीके से आप बना दीजिए एक्टोडर्म, ये हो गई आपकी एंडोडर्म। तो प्लैटी हेलमिंथिस में क्या होता है, प्लैटी हेलमिंथिस में आपने देखा होगा कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें इसमें क्या होता है, मीजोडर्म बिल्कुल कॉम्पलेक्ट होता है, इस तरीके से प्रेजेंट होता है मीजोडर्म, कोई भी स्पेस नहीं पाया जाता मीजोडर्म के, इसमें कोई भी स्पेस नहीं पाया जाता, ये हो गई आपकी मीजोडर्म, ठीक है। जब इसके बाद आप सीलोम का जो डेवलपमेंट देखेंगे, तो इसमें क्या होता है, सीलोम में अंदर की तरफ, जैसे कि ये हो गई आपकी ये एक्टोडर्म की लेयर हो गई, यह हो गई आपकी एंडोडर्म की लेयर हो गई, तो एंडोडर्म की लेयर के साथ में यहां पे मीजोडर्म की एक लेयर पाई जाएगी, यानी मीजोडर्म स्प्लिट हो जाते हैं, मीजोडर्म टूट जाते हैं, टूटने के साथ साथ एक लेयर इसकी एंडोडर्म से अटैच हो जाती है और एक लेयर यहां पे आपकी
इस तरीके से एक्टोडर्म से अटैच हो जाती है। ये हो गई मीजोडर्म, ठीक है। तो ये एक्टोडर्म के साथ मीजोडर्म की एक लेयर बन गई, एंडोडर्म के साथ एक लेयर बन गई, और ये जो बीच की जो कैविटी है ये आपकी कहलाती है सीलोम, ठीक है। तो ये होता है कंप्लीट सीलोम का फॉर्मेशन। इसी तरह से अगर स्यूडो सीलोम होगा तो स्यूडो सीलोम में क्या है, ये सपोज ये एंडोडर्म है, ये आपका बाहर की तरफ से ये एक्टोडर्म है, और यहाँ पे बीच में पाउचेस बन जाते हैं इस तरीके से सीलोम की, यानी मीजोडर्म इस तरह से पाउच लाइक फॉर्मेशन करती है, तो ये कहलाता है स्यूडो सीलोम। स्यूडो सीलोम, तो सीलोम का फॉर्मेशन कहाँ है, किस तरीके से होता है कि एक लेयर स्प्लिट होने के बाद एक लेयर एंडोडर्म से जुड़ जाती है और एक लेयर मीजोडर्म की आपकी एक्टोडर्म से जुड़ जाती है। तो जो एक्टोडर्म के साथ में जो मीजोडर्म की लेयर उस जुड़ती है उसको कहते हैं पेराइटल पेरिटोनियम, यानी एक्टोडर्म के साथ में जो लेयर जुड़ती है एक्टोडर्म प्लस ये क्या है आपका मीजोडर्म, ये कहलाता है पेराइटल पेरिटोनियम। और एंडोडर्म की लेयर क्या है, एंडोडर्म की है, और एंडोडर्म के साथ क्या जुड़ी हुई है, मीजोडर्म की लेयर जुड़ी हुई है, तो इसको कहेंगे विसरल पेरिटोनियम। देखिए अब हम आते हैं समरी, जितना हमने आपको बताया उसको पूरा हम एक उसमें चार्ट में ऑर्गेनाइज करके आपको डिटेल बता देते हैं कि जैसे हमने आपको बताया किंगडम, ठीक है, कितने एनिमेलिया, फिर कितने फाइलम में कितने इसको डिवाइड किया गया, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटी हेलमिंथिस, एसके हेलमिंथिस, एनिलीडा, आर्थोकोडा, मोलस्काई, काइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा अप टू कार्डेटा, ठीक है, ये आ गया आपका किंगडम। फिर हमने आपको बताया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये हमने अभी आपको डिटेल में बताया, ठीक है। बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन में हमने आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी, ये सारी चीजें बताई। अब आप इसके बाद नेक्स्ट जो हमने आपको बताया है कि यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, तो यूनिसेलुलर तो हम पिछले उसमें आपको बता चुके थे, पोरीफेरा से स्टार्ट कर रहे थे, तो मल्टीसेलुलर में सेलुलर लेवल क्या होता है, सेलुलर लेवल होता है किसका, पोरीफेरा का, और इसको फिर सेल, सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, हमने आपको डिटेल बताया है। तो सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बने ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, तो इनको जो हमने कैटेगराइज किया है सिमेट्री बेस पे रेडियल और बाइलेटरल। रेडियल में आपका जो एग्जांपल है अभी हमने आपको इसको डिटेल समझाया है, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, और बाइलेटरल में, बाइलेटरल में फिर इसका डिवीजन है विदाउट बॉडी कैविटी यानी एसीलोमेट, एसीलोमेट हमने आपको बताया प्लैटी हेलमिंथिस, बाइलेटरल में विदाउट बॉडी कैविटी एसीलोमेट विथ स्यूडो फॉल्स सीलोम प्रेजेंट है स्यूडोसिलोमेट एसके हेलमिंथिस में, विथ ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है एनिलीडा, आर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। थैंक यू। तो आपको उम्मीद है ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप साइट पर जाइए और इसमें देखिए, पहले तो आप अच्छे से वीडियो देखने शुरू करिए, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता नहीं रहता कि कहाँ पे आपका वीडियो अपलोड हुआ है, तो UPRDU के साइट पे जाइए, ऑनलाइन जहाँ पे क्लासेस हो रही है वहाँ पे आप देखिए, आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, और वीडियो लेक्चर को देखिए, ध्यान से पढ़िए, कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछिए।